रास्ता रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। सीएम योगी कर्नाटक दौरे पर रहे, इस दौरान सीएम ने एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का भी दौरा किया और वहां पर सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक और यूपी के बीच गहरे संबंध है। कर्नाटक की धरती अध्यात्म से जुड़ी हुई है और बेंगलुरु आईटी और टेक्नोलॉजी का हब है। साथ ही कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भारी संख्या में श्री धर्मस्थल मां स्थानम से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, छेव बन के आज के शुभोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं श्री धर्मस्थल से क्षेत्र से जुड़े हुए सभी अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूँ। खासतौर पर धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। भाइयों बहनों, जब इस सेंटर के उद्घाटन का आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ तो मेरे लिए अद्भुत क्षण था। श्री मंजुनाथ श्री क्षेत्र के जुड़े हुए इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्यक्रम कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत घनिष्ठ संबंध है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, सीएम योगी कर्नाटक दौरे पर रहे आज, इस दौरान एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का भी दौरा किया, क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके पास और कहां कहां उन्होंने जाके संबोधित किया? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक दौरे पर हैं और यहाँ पर उन्होंने वीरेंद्र हेगड़े, जो कि एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ योगिक साइंस नेचुरोपैथी उसके जिसके संस्थापक भी हैं और उसके प्रणेता भी हैं, उनके वहाँ पर आज गए हैं और वहाँ पर उनसे मुलाकात के साथ साथ उन्होंने वहाँ पर छेम्बन, जो कि एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड मेडिकल, राज्यों का दौरा करते रहते हैं। अभी जब हैदराबाद में चुनाव था वहाँ पर भी उन्होंने दौरा किए थे और वहाँ पर बीजेपी को नगर निकाय चुनाव में खासा लाभ भी मिला था और ऐसी सीटें निकल के आई थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं सोची थी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल और केवल उनकी छवि उत्तर प्रदेश स्तर पर नहीं है, इसके अलावा देश भर में भी समय समय पर वो जाते रहते हैं और दौरा करते रहते हैं। आज जो कि मैं आपको बताऊँ, एसडीएम इंस्टीट्यूट का पूरा नाम अगर हम बात करें, श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथ एंड योगिक साइंस, प्राकृतिक चिकित्सा का इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर छेम्बर का उद्घाटन उन्होंने किया है। इसके अलावा उनकी आज चर्चा भी हुई है, जो वहाँ के संस्थापक हैं वीरेंद्र हेगड़े, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, चर्चा भी हुई है और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ साथ यहाँ पर उद्घाटन के बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में नेचुरोपैथी हमेशा से मूलभूत प्रभाव दिखाती आई है। कोरोना के समय में भी देखा है कि नेचुरोपैथ का पूरा पूरा उपयोग किया गया, लोगों ने काढ़ा का उपयोग किया, लोगों उपयोग किया और लोग समझ चुके हैं कि नेचुरोपैथ बहुत बेहतर काम करती है, बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है। अगर नेचुरोपैथ चिकित्सा पद्धति की बात करें मनीष, तो ये हमारे देश में लगभग 2500 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है और अब इसका विस्तार हो रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी का ये भी कहना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की यूनिट जरूर डालेंगे। गौरव, आज योगी का कर्नाटक दौरा बहुत ही मिनट टू मिनट का रहा, 11:30 से लेकर उन्होंने कम से कम 3 बजे तक वो कंटिन्यू दौरे पर रहे हैं, क्या विशेष बातें रही हैं इस दौरे की उनके?
आज सीएम योगी ने कर्नाटक दौरा किया, जिसमें वो 11:30 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। उसके बाद कंटिन्यू मिनट टू मिनट उनका दौरा जारी रहा, जिसमें उन्होंने आईटी टेक्नोलॉजी के हब में भी वो गए, वहाँ भी उन्होंने सभा को संबोधित किया। उसके बाद उनके जो कार्यक्रम लगे थे वहाँ पे प्रदेश का बीजेपी कार्यालय और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने भेंट करी। उनका दौरा मिनट टू मिनट का रहा था, बहुत ही सीएम योगी 6 वन का भी उद्घाटन किया उन्होंने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरे पर संस्थान के प्रमुख धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की उन्होंने। बता दें कि हेगड़े राज्यसभा सदस्य भी हैं। गौरव, आपको हमारी आवाज आ रही है? गौरव, आज सीएम योगी कर्नाटक दौरे पर रहे हैं तो 11:30 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। उसके बाद कंटिन्यू मिनट टू मिनट उनका दौरा रहा 3:30 बजे तक। उसके बाद फिर वो वहां से प्रस्थान किए। तो इस दौरान उनके उन्होंने जो सभा को संबोधित किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया, पदाधिकारियों को भी वहां संबोधित किया, तो क्या उसमें क्या निकल कर आ रहा है कि ये वहां इस दौरे की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं? देखिए, विशेषताओं की बात करूं मनीष, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एसजेएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के लिए वहाँ पर जो वहाँ का एक यूनिट है 6 मन, उसका उद्घाटन करने वहाँ पर मुख्यमंत्री गए थे। सबसे बड़ी बात यह है नेचुरोपैथ का इंस्टीट्यूट है, क्योंकि अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर इंस्टीट्यूट का नाम है, और इसके जो संस्थापक है वो वीरेंद्र हेगड़े हैं, जो कि राज्यसभा सदस्य भी हैं। साथ साथ इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री इसके पहले भी तमाम दौरे पर देश विदेश में गए हैं और देश के कई राज्यों में दौरे भी किए हैं। अगर निकाय चुनाव की बात करें तो हैदराबाद निकाय चुनाव के समय भी उन्होंने दौरा किया था, तो वहाँ पर भी बीजेपी को खासी यहाँ बलाम मिला था। हालांकि इस दौरे का निकाय चुनाव से कोई संबंध नहीं है, पर यहाँ पर दौरे करके उन्होंने जिस तरह से पैकेज चिकित्सा का इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी हम इस तरह की यूनिट को स्थापित करते नजर आएंगे, क्योंकि पैकेज चिकित्सा बहुत पुरानी पद्धति है। उस पद्धति का उपयोग लोगों ने इस कोरोना काल में भी साफ तौर पर किया है, लोगों ने काढ़ा पिया है, और बहुत हद तक जो आपकी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है यानी नेचुरोपैथ है, उससे लोगों को लाभ भी मिला है। तो इसी रूप से यहाँ पर नेचुरोपैथ को आगे बढ़ाने के लिए और तमाम इंस्टीट्यूट ऐसे और शामिल करने के लिए यहाँ पर योगी ने बात कही है, और यहाँ पर चर्चा का विषय भी उनका रहा है। उनका वीरेंद्र हेगड़े से ये भी बात हुई है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हम किस तरह से नेचुरोपैथ को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसकी चर्चा भी हुई है। गौरव, कहीं ना कहीं ये भी कहा सकता है कि 2024 को लेकर ये एक शुरुआत कही जा सकती है कि दौरों का दौर अब शुरू कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। जी जी बिल्कुल मनीष, मैंने आपको पहले बताया कि योगी जहाँ जाते हैं उनका एक ऑरा है, उस हिसाब से काम भी करते हैं, और चूंकि उनको दूसरा कार्यकाल आया है और 37 साल बाद पुराने मिथक को तोड़कर यहाँ योगी को दोबारा मौका मिला है, तो निश्चित रूप से दोबारा मुख्यमंत्री बने, पहले से सक्रिय हैं, और जब भी वो कहीं पर दौरा करते हैं तो वहाँ पर बीजेपी को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ के और दौरे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो एक ऑरा है, उनकी छवि है, वो अच्छी है, और लगातार उनके दौरे से बीजेपी को लाभ मिलता आ रहा है। तो आने वाले समय में कर्नाटक के देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री योगी दौरे देखने मिल सकते हैं। जी गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया, साथ ही बाइकों पर हुटर लगाकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसान यूनियन स्वराज भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार थानों में प्रदर्शन कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने बिना परमिशन जाम लगाने और प्रदर्शन करने को लेकर मना भी किया है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया है थाने में प्रदर्शन, किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किया थाने का घेराव। बदायूं का यह पूरा मामला है, भारतीय किसान यूनियन के स्वराज के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता मनोज कुमार जुड़ चुके हैं। मनोज, बदायूं में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया है, पूरा मामला क्या है ये? फिर संप्रदाय था, उन्होंने नैतिकता पर क्या बातें कही? सुकरात ने, प्लेटो ने, थाने का घेराव करते हैं, भ्रष्टाचार से खुद ही बढ़ा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता।
मनोज, साथ ही बाइकों पर हूटर लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी, बाइकों पर हूटर लगाकर खूब जमकर नारेबाजी भी की गई है। ये तो सरासर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मनोज, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, ये भ्रष्टाचार क्या भ्रष्टाचार हुआ है ये, इस पे थोड़ा जान प्रकाश डालिए। सेना प्रदर्शन के सड़कों पर जाम लगा देना, ये भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। सड़कों पे जाम लगाया गया तो भ्रष्टाचार किस चीज का भ्रष्टाचार हुआ, किसानों के क्या लापरवाही इसमें सामने आई है, मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाह रहा हूँ आपसे। किसानों को जो लापरवाही आ रही है, एक तो लाइट भी समय से नहीं मिल पा रही है, बाकी और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको भ्रष्टाचार दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, आए दिन किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही है, सड़कों में गाय घूम रही है, भ्रष्टाचार तो ही। मनोज, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जैसा देख सकते, भ्रष्टाचार के खिलाफ थाने का घेराव किया गया, किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया। HBTU में MBA की छात्र ने प्रोफेसर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है, वही युवती ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें उसने प्रोफेसर पर मानसिक प्रताड़ना की बात कही है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने वीडियो वायरल का संज्ञान लेकर जांच के आदेश जारी किए हैं। प्रोफेसर पर छेड़खानी का आरोप लगा है, HBTU के छात्रा ने अभद्रता का आरोप लगाया है, प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। अमूमन ये देखने को आता है कि स्कूल कॉलेजों में टीचरों पे, प्रोफेसरों पे छेड़छाड़ का आरोप लगता है। MBA प्रथम वर्ष की छात्रा है ये। एक छात्रा ने एक अपना वीडियो वायरल किया था और सोशल मीडिया में भी हमें कुछ उसके संबंध में राइटअप मिले थे। हमने संज्ञान में लेकर के छात्रा से संपर्क किया, छात्रा ने लिखित इजहार हमें दिया है। उनकी तहरीर के ऊपर, उनके प्रार्थना पत्र के ऊपर कार्यवाही करते हुए इसकी जांच हमने शुरू कर दी है। हम इसमें जो प्रश्नगत व्यक्ति हैं उनको ले आए हैं, हम उनसे ही पूछताछ कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण को कॉलेज के भीतर, यूनिवर्सिटी के भीतर जितने भी लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो सारे लोग जो इसके बारे में जानते हैं, उनकी पूछताछ कर रहे हैं। तो वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस, हम बहुत ही साफ हैं कि सारी चीज़ों को समझते हुए इसके ऊपर जो नियमानुसार सही कार्यवाही है वो तत्काल की जाए। तो MBA की प्रथम वर्ष की छात्रा है जिसने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। HBTU की छात्रा ने अभद्रता का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि युवती ने का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने प्रोफेसर पर मानसिक प्रताड़ना की बात कही है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच के आदेश भी इस पे दे दिए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल, HBTU में MBA की छात्रा ने प्रोफेसर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी, मैं बता दूं कि ये HBTU की MBA प्रथम वर्ष की छात्रा है और इसको काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ित होने के बाद में जब इसने प्रोफेसर शमशेर सिंह से कंप्लेंट की, जो कि कुलपति हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो वो कई छात्रा मिलकर लोकल पुलिस जाती है, लोकल पुलिस में जब इस पर शिकायत करती है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जब छात्राएं, जितनी छात्राएं थी, जब ACP और कमिश्नर से मिलती हैं तो इसके उनके कहने पर मुकदमा लिखा जाता है और प्रार्थी के शिकायत के बाद मुकदमा लिखा दिया जा सकता है। अनिल, युवती ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें उसने प्रोफेसर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है, तो पुलिस कमिश्नर ने वायरल वीडियो को देकर संज्ञान भी लिया है, तो अभी तक क्या कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है? क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया इस पर?
जी FIR हो चुकी है, FIR के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार के बाद जांच हो रही है, विवेचना चल रही है। जब हमने कमिश्नर से बात करने का प्रयास किया तो कमिश्नर ने कहा कि ये सब विवेचना की चीजें हैं, विवेचना की चीजें हम उसको बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी इसमें सत्य होगा, जो भी सच्चाई होगी उसके खिलाफ विवेचना के बाद मुकदमा लिखा जाएगा। और हालांकि युवती का आरोप है कि ना तो प्रशासन कोई सुन रहा है, ना तो पुलिस प्रशासन, ना तो स्कूल प्रशासन किसी प्रकार से कोई सुन रहा है, लेकिन जब कमिश्नर से हमने बात की है तो कमिश्नर ने कहा है कि गिरफ्तार हो चुकी है और मुकदमा दर्ज हो चुका है, विवेचना हो रही है, विवेचना के बाद जो भी तथ्य आएंगे तथ्यों के हिसाब से मुकदमा दायर किया जाएगा और जो भी आरोपी होगा उसको जेल भेजा जाएगा। तो ये कार्रवाई ना होने का ये युवती छात्रा आरोप क्यों लगा रही है? अगर कमिश्नर कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है तो उसने आरोप क्यों लगाया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? हालांकि पुलिस ने अपने बयान रखे हैं, अपनी चीजें रखी हैं, लेकिन जब छात्रा से बात करने का प्रयास किया गया तो छात्रा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब छात्रा अपनी बात कर रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी बात कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी, यदि प्रशासन इतनी सुन रहा है तो आज काफी दिनों बाद जब कमिश्नर के सामने पेश हुई है तो कमिश्नर ने थाने में बात करके इनको जो भी उचित न्याय होगा दिलाने की बात की गई है। और ये जो छात्रा है ये लखीमपुर की रहने वाली है और ये लखीमपुर की यहाँ पे हॉस्टल रहती थी और इस प्रकार से होता हुआ और छात्राओं का आरोप है कि अकेली एक ऐसी छात्रा नहीं है, इसके अलावा बहुत से ऐसी छात्राएं हैं जिनके साथ इस अध्यापक के द्वारा जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, उसके माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है। जी अनिल, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रावतपुर और ग्वाल टोली में जल भराव और गंदगी की वजह से डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कई लोगों की डायरिया से मौत हो चुकी है जबकि कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। डायरिया के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों का मानना है कि विकारगंज के गोरा कब्रिस्तान के पास नाले के ऊपर लोगों ने पक्के मकान बना लिए हैं जिसके इलाके में पानी भर जाता है। वहीं लोगों को गंदे पानी की वजह से नाले पर कब्जा होने की वजह से बनाने वाले मकान हटाए जाने के बाद लोगों को धमकी भी दी गई है। लोगों ने DM से शिकायत भी की लेकिन कोई भी कार्रवाई इस पे नहीं हुई है। जल भराव से लोगों को समस्याएं हो रही हैं, डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, लोग अस्पताल में लड़ रहे हैं मौत से। जल भराव से लोगों को बड़ा बीमारी का खतरा, इसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर स्वास्थ्य विभाग भी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। इस पर इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जल भराव और गंदगी से डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रशासन इस पर कोई पूरी लापरवाही बरत रहा है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी, जो रावतपुर और नवाबगंज क्षेत्र में जो पूरी तरह डायरिया फैला हुआ है उसकी सूचना क्षेत्रीय लोगों का साफ कहना है कि जो DM कानपुर जो विशाखा जी अय्यर और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और उसके बाद मेयर कानपुर प्रवीणा पांडे को लिखित रूप से सूचना दी जा चुकी है। उसके बाद भी कोई क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय पार्षद किसी भी तरीके से कोई सफाई करने के लिए, सफाई अभियान के तहत करने को नहीं तैयार है और ये एक बड़ी लापरवाही है। क्या ऐसा है कि जो क्षेत्रीय लोग है उनका साफ कहना है कि जो बीमारी है क्या ये महामारी का रूप ले लेगी तभी विभाग कोई कार्रवाई करेगा या सरकार को ऐसा कोई कार्रवाई करेगी तब? उपेंद्र, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में तो पूरा मामला होगा ही, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं अभी तक इस पे? जी देखा है, स्वास्थ्य सबसे बड़ी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। वहाँ क्षेत्रीय लोगों का साफ कहना है, जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने रिटर्न कंप्लेन दी है, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग हो और चाहे नगर निगम हो और चाहे देखा जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो निष्क्रिय और निष्फल समझ में आ रहा है। उपेंद्र, DM के संज्ञान में भी ये पूरा मामला दिया गया है, वहाँ से क्या कार्रवाई का, वहाँ से भी कोई कार्रवाई का अभी तक आश्वासन नहीं आया? जी अगर देखा है तो अगर क्षेत्रीय लोगों का साफ कहना, क्षेत्रीय लोगों का अनुसार उनका कहना है कि जो DM कानपुर के जो DM है उनको लगभग 15 दिन पहले सूचना दिया चुकी है लिखित रूप में और उसके बाद जो है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो सूचना जो है विभाग को संबंधित विभाग को ट्रांसफर की जा चुकी है पर फिर भी किसी प्रकार कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जी उपेंद्र, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4:04 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प